अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान चिड़ियाघर का लोकार्पण 27 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों प्रस्तावित है, जिसको लेकर जिलाधिकारी केवीएन पांडेय ने चिड़ियाघर के सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, प्रभागीय वनाधिकारी अविनाश कुमार, एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम, चिड़ियाघर के डायरेक्टर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने 27 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चिड़ियाघर के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि होली पर्व के अवसर पर गोरखपुर वासियों को मुख्यमंत्री जी द्वारा एक सौगात मिलने जा रही है। 27 मार्च को मुख्यमंत्री चिड़ियाघर का लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ चिड़ियाघर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद का यह चिड़ियाघर पूर्वांचल का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। यहाँ सभी जानवर और पक्षी आ चुके के हैं। चिड़ियाघर में प्रवेश के लिए 50 रुपए का शुल्क रखा गया है, जबकि बच्चों को 25 रुपए देने होंगे। वहीं 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपदवासी अब चिड़ियाघर का लुत्फ उठा सकेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, सामने ही काजीराम आवास में बसा सकते हो, उसको तुरंत आदेश करें। फिर भी बचता है तो मेरे पास तो 100 को ऊपर का मकान को हाँ काजीराम आवास रेडी है, वहाँ शिफ्ट करा हट जाए। यहाँ यहाँ तो फिर रोड पर इलीगल एनक्रोचमेंट भविष्य में क्या होने के लिए पुलिस का मेनली और आपके इश्यू में ट्रैफिक डाइवर्शन का चैलेंज रहेगा, ताकि यहाँ पार्किंग का है ना जगह बहुत सीमित है। वैसे बीएफपी गाड़ी तो आएगा, हम लोग उसका जो कहाँ जो मंच लग रहा है उसके सामने बड़ा मैदान है, उसका उधर उस तरफ से भी 2-3 रैंप बनाना पड़ेगा, ताकि कहाँ गाड़ी खड़ा कर सकते। पार्किंग का आइडेंटिफिकेशन लेना कहाँ कहाँ पार्किंग मतलब हो जाएगा। अब यहाँ का जो डायरेक्शन में जो 4-5 पॉइंट है जो कहाँ से इंफ्लो होता है, सभी पॉइंट में एक अच्छा खासा पार्किंग चाहिए। वहाँ का चाहिए तो स्कूल कॉलेज इंटर कॉलेज का मैदान जो भी प्राइवेट का मिलता है सारे ले लेना, और एयरमार्क कर लेना कहाँ कहाँ गाड़ी डाइवर्ट होगी। पानी का और टॉयलेट का व्यवस्था करना पड़ेगा। तीन किलोमीटर उससे ज़्यादा ही, मोर देन 3 किलोमीटर। पैदल कोई नहीं आएंगे, दूर है वो, आस पास कहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो वो भी लेंगे, वो देखा जाएगा। उसका आप देख लेना, नजदीक वाले देख लो, यदि जरूरत पड़ेगा तो फिर वो भी रहेगा, बिजली भी तो रहेगी, वो स्टैंडर्ड एडियम सब आप नोट कर लीजिए, वो आर्डर चले जाए। एक बार बिजली विभाग का चेक करके इसको एक बार तार वाले से चेक कर लें। और इस प्रोग्राम का मिनट मैंने टेक दोबारा आ जाती है और 20 व्हील चेयर है, 20 जो है बच्चों के लिए है, बेबी स्ट्रॉलर वो बच्चों को रहा तो उसके बेटे को वाले एक मनोरंजन कंटिन्यू हो जाएगा हाँ, ये गोरखपुर का कुछ खबर ही है। अतिशीघ्र ये चिड़ियाघर जनता के लिए लोकार्पित होने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से होगी। और यहाँ आप देख ही रहे हैं 35 बाड़े हैं इंक्लोजर से, उसके लगभग भर गया है एक दो बाड़े के छोड़ के, ताकि यहाँ का ज़ीब्रा तो इसराइल से आना है, वो इसराइल में आप देख रहे हैं जो फ्लाइट इस समय में चल नहीं रहा, तब चलेगा तो आ जाएगा। आसाम से राइनो आना है, वो भी एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा। बाकी सभी जानवर तो आ चुकी है, 140 जानवर आ गया है, भर गया है, और जनता के लिए भी पूरा सुविधा तैयार हो गया है। यहाँ पार्किंग स्थल से लेकर अंदर 7D जो स्टूडियो है और ODOP का दुकानें हैं, और बाहर कैफेटेरिया है, और पानी का पेयजल है, शौचालय की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था, सभी लोग की व्यवस्था करा रखे हैं हम लोग। और अंदर गोल्फ कार्ट का भी व्यवस्था कर रखा है, ताकि कोई विकलांग आता है और कोई बुजुर्ग लोग आते हैं, बच्चे साथ आते हैं, उन लोग को भी अंदर घुमाने के लिए कभी व्यवस्था हो गया है। उम्मीद है एक दो दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो जाएगा। आपको मैं स्वागत करता हूँ, आकर के
ये आनंद लीजिए, बट ज़रूर ये अभी कोरोना के बीच में है, ये ध्यान रखें, बिना मास्क का कोई घुसने नहीं देंगे अंदर, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, हैंड सैनिटाइजर का पालन करते हुए इधर आएँ और बहुत आनंद लीजिए। और आपको फीडबैक भी हमें मायने करता है इस पर, ताकि नया नया योजना है इस पर हो सकता है कोई कमियाँ हो, आपके माध्यम से कोई सुझाव है, फीडबैक आता तो उसको भी हम लेते हुए और बेहतर करा लेंगे। ये गोरखपुर जनता के लिए, पूर्वांचल जनता के लिए एक पूंजी है, एक गिफ्ट है माननीय मुख्यमंत्री तौर से, तो उसके हम सब लोग स्वीकार ना होंगे। देखिए टिकट हम तो ये एक रफली निर्धारण कर रखा है, वैसे अडल्ट के लिए, बड़े लोग के लिए 50 रुपया है, बच्चे के लिए 25 रुपया है, और बाकी अलग अलग रेट्स है उसका। मान लीजिए आप कैफेटेरिया में जाएंगे उसी हिसाब से होगा, अलग अलग रेट है। मोटा मोटा 50 और 25 रखा है, और छोटे बच्चे के लिए 12 साल के नीचे वाले बच्चे के निःशुल्क है, फ्री है। शुरुआत में हम जो उस पर बढ़ाने के उस पर नहीं है, ताकि सारे जनता उसका आनंद लेना चाहिए था, उसको ज़्यादा रेट नहीं रखा है, इनकेस कोई फीडबैक आता तो उसको ऊपर भी विचार करेंगे। टाई ट्रेन का समय लगेगा, अभी तो फिलहाल गोल्फ कोर्ट तो आ चुकी है, टाई ट्रेन तो 1-2 महीने में आ जाएगा, और तब ये कोरोना का एक तरफ से क्राउड मैनेजमेंट भी हम लोग का बड़ा चुनौती है, ताकि इस समय में हम लोग ज़्यादा भीड़ भी नहीं जुटा सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे करके हम लोग फेस वेस में लाएंगे। टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे 5:30 बजे तक है अभी टाइमिंग, तो ताकि सीज़न के हिसाब से चेंज होती है। अभी फ़िलहाल जो अंधेरा तो फिर 6 बजे हो रहा है, हम लोग फिलहाल 5 बजे तक रखा है, ताकि अंदर का क्राउड फिर बाहर जाने में भी 1 घंटे समय लगता है, और फिलहाल 10 से 5 रखा है, और क्लाइमेट के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से चेंज होती है। हाँ ये देखिए करीबन 200 एकड़ में तो है ही है, उसके बगल में 150 एकड़ और भी इस पर विस्तारीकरण के लिए रखा हुआ है, और मेरा सबसे पूर्वांचल में सबसे बड़ा जू के रूप से है ये।